अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बायोप्लाजन नंबर 6 होम्योपैथिक मेडिसिन की अहमियत और अफादियत पर। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल में नया हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो मैं आपको होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल वाहिद आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं व्यूअर्स। सांस की आमद रफ्त हयात की डोर बंद रखती है। अगर इस आमद रफ्त में खलल या रुकावट पैदा हो तो खांसी अपने जाल में इंसान को जकड़ लेती है। खांसी बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है बल्कि आमतौर पर यह सांस की नाली की सोजश की अलामत है। बायोप्लाज नंबर 6 हर किस्म की खांसी, नजला जुकाम, फेफड़ों की तकालीफ और सांस की नाली की सोजश को दूर करके आपको जिंदगी की मुसरतों से हम आहंग करती है। बायोप्लाजन नंबर 6 हर किस्म की खांसी, मसलन काली खांसी, खुश्क खांसी, बलगमी खांसी, सर्द हवा लगने से खांसी, खांसी के साथ बुखार, प्यास, बेचैनी वगैरह, बोलने से खांसी, खुश्क खांसी के साथ साथ पाँव में जलन, हिस्टेरिया, बच्चों में दांत निकलने के ज़माने में फेफड़ों की नालियों की सोजश, मरीज जिन में रंजो गम के असरात हों, खांसी के साथ साथ सफ़ेद दूधिया पेशाब, तंबाकू नोशी, चिड़चिड़े मिजाज वाले मरीज, छाती में बलगम बहुत पैदा हो, नमूनिया और ब्रोंकाइटिस के बाद रह जाने वाली खांसी, रात को बिस्तर से हाथ निकालने की सूरत में खांसी, सब्ज रंग के बलगम का अखराज हो, अलगर्ज खांसी की बेपना अकसाम हैं जिनको असीर बनाना फ़क्त बायोप्लाजन नंबर 6 का ही काम है कि जिसके इस्तेमाल से मरीज हर किस्म की खांसी के झंझट से आज़ाद होकर अपने रात और दिन के मशागल बेफिक्री से अंजाम दे सकता है। व्यूअर्स, इस मेडिसिन के 4-4 गोलियां दिन में 3 बार पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये बड़ों के लिए है और बच्चों के लिए 2-2 गोलियां दिन में 3 बार पानी के साथ इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, तम्बाकू नोशी, इंतहाई मुजर, गर्म मशरूबात, माशाद और फल इस्तेमाल करना मुफीद है। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो बायोप्लाज नंबर 6 होम्योपैथिक मेडिसिन की अहमियत और फायदे पर। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो नई वीडियो लेकर ज़रूर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।